राधे राधे एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे भी। तो गाइस मैं भी आप लोगों ने जो लेटेस्ट वीडियो शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ, वो आप लोगों ने देखा होगा। जैसा कि मैं जब अपनी आप बीती सुना रही थी आप लोगों को, हर एक वीडियो में बोलती थी कि जो करंट सिचुएशन चल रहा है मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि जनाब यहाँ आए हुए हैं। जनाब ने कहा है कि दशहरा पे मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अपनी बेटी के साथ पूरे दशहरा में रुकना चाहता हूँ, अपनी बेटी को मेला घुमाना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बेटी के लिए दशहरा पर ड्रेस भी लिया गया है। ये वही बाप है जिसको पिछले 7 महीने तक कोई मतलब नहीं रहा था बेटी से, ना उसका खाना पीना सोना उठना बैठना, ना कोई कॉल मैसेज फोन कुछ भी नहीं। आज इस बाप को अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम आ रही है, बेटी की ज़रूरतें दिख रहे हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं, करंट सिचुएशन चल रहा है ना, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ टाइम टू टाइम, बस बने रहिए मेरे साथ। आज इस वीडियो में आप लोग से बात करने से पहले मैं आप लोग से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ एक बार खुद को मेरी जगह रखिएगा, उसके बाद चीज़ों को सोचिएगा समझिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, उसके बाद अपना थॉट अपना ओपिनियन अपने सजेशन अपने एडवाइस जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आप लोग का हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग समझदार लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी होती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने अच्छे अच्छे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जिनसे मैं एक कनेक्शन फील कर पाती हूँ, जो मेरे दिल की बातों को समझते हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगता है ना जैसे आप लोगों ने मेरे दिल की बातें लिख दी है, जैसे ये कमेंट मैंने खुद से लिखा है, ऐसा लगता है मुझे। मतलब एक कनेक्शन हमारा ऐसा बन गया है ना, जब मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी अपनी बातें अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप लोग समझ पा रहे हो सोच पा रहे हो मेरी जगह पर रह के, तो वो एक कनेक्शन जो फील हो रहा है ना, बहुत सुकून मिल रहा है, दिल को अच्छा लग रहा है। गाइड भी कर रहे हो आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ी तजुर्बे वाली तो बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ। मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा तजुर्बा मिल गया है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे समझदार लोग पढ़े लिखे लोग जो मुझे देख रहे हैं समझ रहे हैं, वो लोग अपने एक्सपीरियंस से मुझे समझा रहे हैं कि रवीना आगे चलोगी तो कुआं मिलेगा, आगे चलोगी तो अच्छा रास्ता मिलेगा, आगाह कर रहे हैं कि रवीना ये कदम सेफ नहीं है, रवीना ये कदम सेफ है। तो बहुत खुशी होती है कि इतने ज़्यादा तजुर्बे वाले लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस माहौल में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि मेरा मायका गाँव में है, और गाँव में चीज़ों को इस तरीके से सोचा जाता है ना, इस तरीके से चीज़ों के बारे में बात होती है ना, कि वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मतलब लॉजिकली तो कोई बात करता ही नहीं है, सबको लगता है कि क्या है ये सब। कोई औरत अगर अपने लिए आवाज़ उठा रही है ना, तो वो पचता नहीं है लोगों को। चलो गाँव का तो छोड़ दो ना, गाँव में भी सब लोग बुरे नहीं हैं, बहुत सारे लोग समझदार भी हैं, शहर के भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने देखा है, मैं सोशल मीडिया पे जब भी वीडियो शेयर करती हूँ ना, जैसे अभी मैं अपनी आप बीती आप लोगों को सुना रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि क्या है ये, क्यों तुम अपना पर्सनल मैटर शेयर कर रही हो सोशल मीडिया पे, घर की बातें घर में रखो ना। जब आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है ना, तो घर में रहे तो ठीक है। एक कहावत मैंने कहीं सुनी थी या फिर कहीं लिखी हुई पढ़ी थी मैंने, कि औरत सबको अच्छी लगती है लेकिन सिर्फ सहती हुई, कहती हुई बिल्कुल भी नहीं। और ये बात 100% सही है। औरत जब तक उसके साथ बुरा हो रहा है तो वो बर्दाश्त कर रही है ना, सह रही है ना, तब तक बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपने लिए आवाज़ उठा दे रही है ना, तो बहुत बुरी हो जा रही है। दुनिया की नज़र में मैं आज बहुत बुरी बन गई हूँ कि मैं अपनी आवाज़ उठा दूँ। ठीक है कोई बात नहीं, जिसकी जैसे सोच है अपना सोच अपने पास रख सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे लेटेस्ट वीडियो देख के कमेंट किया कि रवीना अपने ससुराल चली जाओ। बहुत सारे लोगों ने तो इंस्टाग्राम पर जाकर पर्सनली मुझे डीएम भी किया। प्लीज कोई भी बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोग की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ। आप लोग मुझे अपना समझते हो, मुझे प्यार करते हो, मेरे बारे में अच्छा सोचते हो, तब जाके इतना टाइम निकालते हो कि मेरी वीडियोज़ देखते हो, फिर पर्सनली जाकर मुझे मैसेज करते हो या फिर मेरे वीडियोज़ पर कमेंट करते हो। इतना प्यार के लिए ना दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि ससुराल चले जाओ, जो भी चीज़ें हुई हैं चलो मानते हैं हम लोग के गलत हुआ है, लेकिन बच्ची के लिए अपनी बेटी के लिए माफ़ कर दो सामने वाले को और चली जाओ ससुराल, फिर से अपना घर बसा लो। तो मैं आप लोग से आज कुछ सवाल कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जो आप लोगों ने लिखा कि ठीक है सामने वाले को माफ़ कर दो, बेटी के लिए फिर से रिश्ता जोड़ लो, अपना रिश्ता बचा लो, ससुराल चले जाओ, तो सुनिए आप लोग, सामने वाले ने कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी है, सामने वाले ने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी है, सामने वाले ने कभी भी ये नहीं बोला है कि हाँ रवीना चलो अपने ससुराल अपने घर, नहीं, सामने वाले ने कभी भी नहीं कहा कि हम लोग अपना रिश्ता सही किया जाए, कभी भी नहीं। अब आप लोग क्या बोलना चाहोगे बोलो,
अब मैं आप लोगों का जवाब सुनना चाहती हूँ। सामने वाले ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा है ना कि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ये वही आदमी है जो पिछले 7 महीने तक अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं रखा था, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, ना कभी देखा, ना सुना, ना कभी ये जानने की कोशिश की कि मेरी बेटी कैसी है, कैसे पला रही है, सो रही है, खा रही है, जग रही है, क्या, कोई मतलब नहीं था। आज इस आदमी ने ये कहा कि मैं अपनी बेटी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। तो चीज़ें आप तो समझ पा रहे हो, मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, मैं चीज़ें बस ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आखिर चल क्या रहा है, सामने वाला चाहता क्या है। अगर कोई नाटक कर रहा है तो कब तक नाटक करेगा, एक ना एक दिन तो पोल खुली जाएगी ना। तो मैं चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि क्या चल रहा है। रही बात मेरे ससुराल जाने ना जाने की, तो अभी फिलहाल इतना जल्दी मैं कैसे ससुराल जा सकती हूँ, थोड़ा तो लॉजिकली सोचा कीजिए आप लोग, थोड़ा तो लॉजिकली बात किया कीजिए। मैं आप लोग की बातों को बहुत अच्छे समझ रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हो मेरे लिए, ठीक है बच्ची के लिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो, अपना घर फिर से बसाओ, ससुराल चली जाओ, बच्ची को अपने बाप का प्यार मिलेगा डेली। लेकिन ये भी तो सोचो कि सामने वाला भी तो ये चीज़ सोचे, सामने वाला तो कभी सोचता ही नहीं ये चीज़। मैंने तो आखिरी दम तक कोशिश की थी चीज़ों को ठीक करने की, यहाँ तक कि मेरे साथ इतनी दरिंदगी हो गई थी, इतना मुझे मारा पीटा गया, बेटी के साथ मैं 2 दिन तक रूम में बंद रही भूखे प्यासे, कोई पूछने तक नहीं आया। उसके बावजूद भी जब मैं वहां से अपने ससुराल से निकल रही थी अपने पापा के साथ, यहाँ तक कि जब मैं निकल रही थी मेहनत के द्वारा, मेरी मेरे ससुर जी के द्वारा मुझे इतना गालियाँ दिए गए। आप लोगों ने देखे ना वीडियो क्लिप, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ऐसे नहीं कि अभी मैं आके कुछ भी बोल रही हूँ, बक रही हूँ, सब कुछ आप लोगों ने देखा है। उसके बावजूद भी मैं उस आदमी को देख रही थी, अपने पति को, अपनी बच्ची के बाप को, कि एक बार तुम सिर्फ ये बोल दो ना कि रवीना मत जाओ, मेरी बेटी को लेकर मत जाओ। उस आदमी ने कुछ भी नहीं बोला था, ऐसे हाथ के हाथ रख के खड़ा था। तो मैंने तो आखिरी दम तक कोशिश किया था ना रिश्ते सुधारने की, रिश्ते निभाने की। पिछले 7 साल से अपने शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधी हुई हूँ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में पिछले 7 साल से इस उम्मीद के साथ जी रही हूँ ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हुआ, जब मैं हार मान गई, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं शायद मर ही जाऊंगी। अगर मैं मर जाती तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखता, मेरी बच्ची का पालन पोषण कौन करता। ऐसा नहीं कि मैं मर जाती तो, अगर कोई माँ मर जाती है तो बच्चा भी मर जाता है, बच्चा को कोई पालता नहीं है। लेकिन जो एक परवरिश माँ देती है ना, जो ख्याल माँ रखती है ना, वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रख सकता है। तो मैं मर जाती तो क्या होता, तो मरने से अच्छा था ना। बहुत सारी औरतें हैं हमारे समाज में अभी भी जिनका दिल मेरे जितना मजबूत नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें बर्दाश्त कर पाए। बहुत सारी औरतें हैं आज के इस पढ़े लिखे समाज में भी जो सुसाइड कर लेती है, मर जाती है, कुछ ना कुछ कर लेती है, गलत कदम उठा लेती है। तो मैंने तो वो सब नहीं किया ना, मैं वहां से सिर्फ निकली, क्योंकि वो जिंदगी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश करा था, अपने आखिरी दम तक कोशिश किया था मैंने। तो जो लोग मुझे समझा रहे हैं कि बेटी के लिए सब कुछ ठीक कर लो रवीना, फिर से घर बसा लो, पति के साथ चली जाओ वापस, ससुराल चली जाओ, ये चीज़ मेरे पति को भी तो समझनी चाहिए ना, मेरे ससुराल वालों को भी समझनी चाहिए। और मैं क्यों जाऊँ ससुराल, बताओ आप लोग, क्या मैं एक अबला नारी हूँ? मैं अपनी बेटी को अपने दम पे नहीं पाल सकती हूँ? जब से मेरी बेटी जन्म ली है, उसके शौक से लेकर उसकी जरूरत तक मैंने खुद पूरा किया है अपने खुद की कमाई से, तो मुझे क्या जरूरत है ऐसे लोगों की? वो मेरा वही ससुराल है, वही नरक वाली जिंदगी जहाँ पे मैं मतलब जिल्लतों वाली जिंदगी जीती हूँ, गधा की तरह दिन रात काम करती हूँ, अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके भी, उसके साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ, अपने यूट्यूब भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, यहीं तक नहीं रहना है। और यूट्यूब मैं इसलिए करती हूँ ना क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग भी चाहिए, 1 रुपया देने वाला मुझे कोई भी नहीं है। हर बार मैं अपने बाप के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती हूँ। पति मेरा निकम्मा, सास ससुर जिनको 1 रुपया देने नहीं है, वो मेरा वही ससुराल है। इतनी जिल्लतों वाली जिंदगी जीने के बावजूद भी मैं सब कुछ मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से करती थी, सबको खुश करने की कोशिश करती थी। वो मेरा वही ससुराल है जहाँ मेरे ससुर जी दिन रात, सुबह उठे नहीं कि सोते तक, रात के सोते तक मुझे गालियाँ देते हैं। मेरी सासू माँ जो हर एक छोटी छोटी बात पे गलतियाँ निकाल निकाल के मेरे पे आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़े, ये वो मेरा वही ससुराल है जहाँ पे मुझे मिक्सी वॉशिंग मशीन छूने तक नहीं दिया जाता है। वो मेरा वही ससुराल है जहाँ पे मेरी बिन ब्याही बूढ़ी ननद दिन रात सिर्फ और सिर्फ मेरे पर नजर रखती है। भाभी क्या खा रही है, भाभी क्या पहन रही है, भाभी कैसे सो रही है, भाभी कैसे जाग रही है,
भाभी भैया से क्या बात कर रही है, भाभी हंस रही है, भाभी मुस्कुरा रही है, भाभी भैया के साथ इशारे कर रही है। वो मेरा वही ससुराल है जहाँ पर मेरा पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, कर्ज ले रहा है, ऊपर से अपनी बीवी पे यानी मुझ पे हाथ उठा रहा है हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन। पिछले 6 महीने से लगातार मेरा पति जानवर की तरह मुझे मारता था, तब भी मैं मुस्कुराती थी, हंसती थी। आप लोग कभी मैंने बताया नहीं बताया ना, चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो क्या मैं एक अबले नारी हूँ? मैं अपनी बच्ची का, खुद का शौक, जरूरत, खर्च पूरा नहीं कर सकती हूँ? मेरे माँ बाप मुझे जाहिल बना के रखे हैं, अनपढ़ गंवार बना के रखे हैं, जो सिर्फ सिर्फ ससुराल में रहेगी, लात जूता गाली खाएगी, लेकिन रहेगी ससुराल में ही। और मैं कहती हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मायके में कब तक सड़ोगी, जिंदगी भर मायके में तो नहीं सड़ोगी ना। बहुत सारे लोग पॉजिटिव में भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग निगेटिव में भी बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा घटिया ससुराल हो ना, तो उससे अच्छा है ना कि मायके में ही सड़ जाओ, मायके में ही मर जाओ। और मेरे माँ बाप ने मुझे इतना बेवकूफ़ तो नहीं बनाया है, इतना लाचार, इतना बेबस तो नहीं बनाया है, ऐसी तो परवरिश नहीं दी है कि मैं दिन रात मायके में ही बोझ बनी रहूँगी, मायके का ही खाऊंगी और मायके में ही सड़ी मर जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे काबिल बनाया है। अभी मेरी बच्ची छोटी है, इसलिए मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, घर से बाहर कहीं नहीं जा रही हूँ मैं जॉब करने के लिए। मेरी बच्ची थोड़ी सी जैसे बड़ी हो जाएगी, स्कूल जाने लायक हो जाएगी, मैं अपनी बच्ची को लेकर जॉब करना शुरू करूंगी, अपनी बच्ची का अपना खुद का ख्याल भी रखूंगी, पैसे भी कमाऊंगी, और सारे जरूरत अपनी बच्ची का अपना खुद का पूरा भी करूंगी। वो भी आप लोग देखोगे आने वाले ब्लॉग्स में, आने वाले दिनों में। तो क्या जरूरत है जब मैं सब कुछ खुद ही करूंगी, अपना, अपनी बच्ची का सारा खर्च से लेके, जरूरत से लेके, ख्वाहिश सब कुछ मैं खुद ही पूरा करूंगी। तो मुझे क्या जरूरत है ऐसे जानवर लोगों की, ऐसे दरिंदे लोगों की, ऐसे घटिया लोगों की? बिल्कुल भी मुझे जरूरत नहीं लगती है। पिछले 10 महीने से मैं अकेली रह रही हूँ, कोई उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बातचीत नहीं। मैं अपने आप को इतना तो जान गई हूँ ना कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारी बातें हैं दिल में, टाइम टू टाइम मैं आप लोग से शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, जो लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो कि नहीं चलो ठीक है, जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, उसमें मेरी बच्ची का क्या गलती है? उसको अपने बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, उसको अपने हक अधिकार नहीं मिल रहा है जो कि उसके दादी घर पे है, तो उसके लिए चलो फिर मैं सोच रही हूँ। लेकिन सामने वाले को भी तो सोचना चाहिए ना। सामने वाला सोचे, सामने वाला एक बार बोल दे कि हाँ रवीना मुझसे गलती हो गई, चलो मुझे माफ़ कर दो, हाँ रवीना चलो अपने घर चलो, हाँ रवीना मुझे तुम्हारी और अपनी बच्ची की ज़रूरत है, हाँ रवीना मैं तुम्हें कमाऊंगा खिलाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये बताओ आप लोग मुझे, उस ससुराल में मैं जाके क्या करूंगी जहाँ पे मेरा पति 1 रुपया कमाता नहीं है, पूरा का पूरा अपने माँ बाप पर डिपेंड है, खुद भी माँ बाप से गालियाँ सुन रहा है, मुझे भी सुनवा रहा है, मेरी बच्ची को भी सुनवा रहा है। उस ससुराल में जाके मैं क्या करूंगी? और वो मेरा ऐसा ससुराल है ना कि खुद का बेटा जब जॉब नहीं कर रहा, खुद का बेटा जब निकम्मा है, नकारा है, ना लायक है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहू को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। बहू अगर पढ़ी लिखी है, समझदार है, जॉब करना चाहती है, तो हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेटा नालायक है, बहू भी नालायक ही रहनी चाहिए। तो उस ससुराल में मेरा और मेरी बेटी का क्या फ्यूचर है बताओ आप लोग? फिर मैं क्या करने जाऊंगी वहां पे, क्यों जाऊंगी? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं उस ससुराल को एकदम छोड़ ही दूंगी, वो तो भगवान जानते हैं ना। अगर इस आदमी से मेरा रिश्ता चलता रहा तो ससुराल से भी चलता ही रहेगा, ससुराल को भी मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, जाना तो पड़ेगा ना, आज जाऊं चाहे कल जाऊं। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये समझ में आता ना कि मतलब मैं क्या करने जाऊं वहां पे, मेरा क्या फ्यूचर है, मेरी बेटी का क्या फ्यूचर है? सिर्फ दूसरों को बनाने खिलाने से मेरी जिंदगी कट जाएगी, मेरी बेटी की जिंदगी कट जाएगी? मेरा खुद का पति आवारा निकम्मा, मेरे ससुर के पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, लेकिन उन पैसों का क्या गारंटी कि वो मुझे दे देंगे, मेरी बेटी को दे देंगे? और मुझे उनके पैसे क्यों चाहिए, मेरी बेटी को उनके पैसे क्यों चाहिए? अगर वो खुशी से दे रहे हैं तो अच्छी बात है, जो कि वो कभी देने वाले नहीं है। मैं खुद की मेहनत से कमाऊंगी ना, अपनी बेटी के लिए, अपने लिए सब कुछ करूंगी ना। पति मेरा बोल दिया एक बार कि ना चलो मैं कमाऊंगा, मैं तुम दोनों का खर्च उठाऊंगा, मैं तुम दोनों को अपने कमाई से खिलाऊंगा, चाहे वो नमक रोटी ही खिलाएगा ना अपने कमाई से, मैं खाऊंगी और मैं रहूंगी उसके साथ, चाहे वो झोपड़ी में ही क्यों ना रहना पड़े, चाहे वो मुझे सड़क पे क्यों ना रहना पड़े, फुटपाथ पे क्यों ना सोना पड़े। एक बार मेरा पति बोल दे कि हाँ रवीना मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगा, अपनी बेटी को कमा के खिलाऊंगा, अपनी बेटी के सारे शौक, सारे जरूरत पूरा करूंगा अपने खुद के कमाई से, मैं उसके साथ आज के आज चली जाऊंगी। लेकिन मेरा पति ऐसा है ही नहीं, वो कभी बोलेगा ही नहीं ऐसा,
वो कभी कमाएगा ही नहीं, कभी भी अपनी कमाई मुझे अपनी बेटी को खिलाएगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कमाई खाएगा, और वो मेरा कमाई खाने के लिए ही आया हुआ है यहाँ पे। अभी दशहरा पे बेटी का ड्रेस लिया है अपने बाप के पैसे से, अपनी खुद की कमाई से लिया नहीं लिया ना, तो क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे मेरे ससुर जी पैसे दे रहे हैं मेरी बेटी के कपड़े खरीद देते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही अगर मेरा पति खुद की कमाई से खरीदा होता ना मेरी बेटी के लिए ड्रेस, चाहे वो 100 रुपए का ही फ्रॉक क्यों ना होता, मैं बहुत खुश होती, मुझे प्राउड फील होता, बट ऐसा नहीं होता है। एक एक रुपए के लिए जनाब अपने माँ बाप पे डिपेंड है, एक एक रुपए मांग के लाएंगे, 100 गालियां खुद सुनेंगे, 100 गालियां मुझे सुनवाएंगे, और फिर 100 गालियां बेटी को भी सुनवाएंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जो बात है वो है, फिलहाल मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सामने वाले के झांसे में एकदम आ जाऊंगी, सामने वाला मुझे पुलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेटी के लिए अगर रिश्ते सुधारे जा सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसके झांसे में आके अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी बेटी का करियर, अपनी बेटी का फ्यूचर दाव पे लगा दूँ। होप कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुना होगा, समझा होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि खुद को मेरी जगह पर रख के देखिएगा, हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा भी बोल गई होंगी, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ भी ज़्यादा बोला है, मैं अपनी दिल की फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे बोले कि ससुराल चले जाओ फिर से घर बसा लो अपनी बेटी के लिए, हाँ ठीक है बेटी के लिए बेटी से बहुत प्यार कर रहा है वो चीज़ आप लोगों को दिख रही है, लेकिन एक एक चीज़ क्यों नहीं सोचते हो कि पिछले 7 महीने तक इसी बात को अपनी बेटी से मतलब नहीं थी। चलो ठीक है उस चीज़ को भूल जाती हूँ मैं, अब आप लोग कहोगे कि क्यों एक ही बात पकड़ रही हो, नहीं नहीं पकड़ूंगी, चलो छोड़ दो, आज जो प्यार दिख रहा है चलो मान लेती हूँ कि ये सच्चा प्यार है अपनी बेटी के लिए, ठीक। तो ये बताओ मुझे, अगर सच में बेटी से प्यार है तो उसकी माँ से प्यार क्यों नहीं है? जब तुम अपनी बीवी के नहीं हुए तो बेटी के कहाँ से हो गए, क्योंकि बीवी पहले आई है ना लाइफ में, बेटी तो बाद में आई है, बेटी तो शादी के 6 साल बाद जन्म ली है ना, तो आज बेटी के लिए प्यार दिखा रहे हो कि प्यार है बेटी से, माँ से कोई प्यार नहीं है, बेटी कैसे आई है इस दुनिया में, नहीं तो ले आऊँ ना, माँ ही ले आई है बेटी को, तो बेटी से प्यार है बीवी से कोई प्यार नहीं है, बीवी का कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारी बातें हैं दिल में जो आप लोगों के साथ कभी शेयर करूंगी, मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत एंड जय श्री कृष्ण राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा।